फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नए तरीके की डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 3 प्लाई की पतली वाली ऊन ली हुई है और नंबर को मैंने यहाँ 5 नंबर पर सेट कर दिया है। कैरीज का जो नंबर है यहाँ पे, सबसे पहले जो है आप बॉर्डर बनाने के बाद ऊपर जहाँ से आपको डिजाइन स्टार्ट करनी है यहाँ पे आपको क्या करना है, एक निडल छोड़कर दूसरी निडल लेनी है, उससे फंदा निकालना है, पहली वाली में डालना है। इसी तरह से एक एक निडल छोड़ छोड़ के आपको फंदा निकालना है और फर्स्ट वाली में डाल देना है। यानी कि आपकी एक निडल आगे रहेगी और एक निडल पीछे की तरफ रहेगी। इसी तरह से लास्ट तक जो हैं वो आप सारे फंदे डाल लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो से जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। इस तरह से ये फंदा निकाला हमने, एक निडल छोड़ के दूसरी निडल लेनी है, फंदा निकाल के फर्स्ट वाली निडल में डाल देना है। अब ये देखिए, एक निडल हमारी आगे है और एक और बाकी एक निडल पीछे है। इस तरह से एक एक निडल का हमारे यहाँ गैप है। अब हमें इसको चलाना है। निडल जो पीछे वाली हैं जिससे फंदा निकाला है वो पीछे की तरफ ही रहेंगी। इस तरह से चलाने के बाद कैरिस का जो हुक है इन दोनों को हम पीछे की तरफ कर देंगे। अब यहाँ पर हमें एक निडल छोड़ के दूसरी निडल आगे करनी है। एक निडल छोड़नी है, दूसरी आगे करनी, एक छोड़नी है, दूसरी आगे। इस तरह से एक एक निडल छोड़ के दूसरी निडल को हमें आगे की तरफ करना है। अब हम इसको कैरेज के जो होके हमको पीछे की तरफ कर लिया। अब दो सॉरी 4 बार इसको हम चलाएंगे। 1, 2, 3, 4। 4 बार चलाने के बाद ये जो हमारी निडल्स हैं आगे की तरफ, इनको हमें पीछे करना है और जहाँ हमने एक एक निडल का जो गैप किया था उनको हमें आगे की तरफ करना है। ये देखिए, ये निडल हम पीछे करेंगे और जो बीच वाली निडल है जो हमने पीछे रखी थी उसको आगे करेंगे। ये निडल पीछे, ये निडल आगे, ये निडल पीछे, ये निडल आगे। इस तरह से ये निडल पीछे और ये निडल आगे। इस तरह से आप डिजाइन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अब हमें फिर से 4 बार चलाना है। 1, 2, 3, 4। बस यही सेम प्रोसेस आपको दोहराना है। अब हमारी जो है ये निडल जो है पीछे की तरफ चली जाएंगी और जो निडल हमारी आगे है ये पीछे की तरफ जाएंगी और जो पीछे हैं वो आगे जाएंगी। ये देखिए, ये पीछे, ये आगे, ये पीछे है और ये पीछे वाली जो है वो आगे। ये देखिए, इस तरह से पीछे, पीछे वाली आगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी सबसे पीछे वो पीछे ही रहेंगे। ये हमने गैप किया उनको आगे की तरफ करना है और ये पीछे। फिर हम 4 बार चलाएंगे। 4 बार चलाने के बाद फिर वही सेम प्रोसेस आपको दोहराना है। अब हम ये पीछे कर देंगे, जो हमारी ये बीच में वाली जो निडल है उनको हम आगे करेंगे, ये सारी पीछे करेंगे और जो बीच में हमारी है उनको हम आगे करेंगे। इसी तरह से डिजाइन को कंटिन्यू करना है। मैं थोड़ा बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये डिजाइन आपकी बनकर आई है। अब थोड़ी सी डिजाइन ऊपर की तरफ बना ली है मैंने और ये डिजाइन आपकी देखिए इस तरह से बनकर आएगी।